फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RCF मतलब राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर पे। फ्रेंड्स, स्टॉक में 20% की तेजी आपको देखने को मिली है। रीजंस क्या हैं और क्या कुछ आने वाले टाइम में इसके स्पॉट और टारगेट रहने वाले, डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो तेजी का रीजन समझते हैं। सरकार ने भाई जो फर्टिलाइजर है उस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब GST हटाने पर विचार कर रही है, हटाने पर विचार कर रही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, हटाया नहीं है अभी। और साथ ही में जो सब्सिडी है उसे भी बढ़ाने की बात कर रही है, जिसको लेके ही आपको स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। अब ये तेजी कहाँ तक आपको देखने को मिलेगी, क्या कुछ इसके स्पॉट और टारगेट रहने वाले हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेशन हमारी डेप्थ के अकॉर्डिंग करेंगे। जितनी ये हमारी डेप्थ बन रही है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी डेप्थ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ आने वाले टाइम में टारगेट हमें इसमें देखने को मिलेंगे। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, जो भी न्यूज़ आती है ना उसका असर 1-2 दिन रहता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हमने डेप्थ ड्रॉ कर ली और जितनी हमारी ये डेप्थ है ये हम एरो के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। चाहे तो आप पॉइंट इसमें करके और तब कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे मैं एरो लगा के आपको समझा रही हूँ ना, ऐसे भी आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। यहाँ पे भाई मैंने एरो लगा दिया है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि भाई आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? अब बताती हूँ मैं आपको। ये हमारा डबल टॉप भी आप कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि इस स्टॉक ने इतनी हमारी डेप्थ बना दी, जितना ये एरिया है ब्रेकआउट के बाद उतना ही अपसाइड आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। अब भी जो टारगेट इसमें हमें नजर आ रहे हैं, ये नहीं है कि भाई जैसे 20% की आज तेजी देखने को मिली है, कल भी 20% की तेजी देखने को मिल सकती है, चांस थोड़े से कम है, बाकी और कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसका जो टारगेट है, जो इसने ब्रेकआउट दिया जिस हिसाब से, इसका टारगेट 256 तक का यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ तक जा सकता है। हो सकता है देखो कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाए, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ये स्टॉक यहाँ तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसमें हमें गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जो स्पोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 188 का। अगर इसका ब्रेकडाउन कर दिया ना तो फिर ये 118 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। वैसे फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है स्टॉक के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई देखो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ कुछ टाइम के बाद ये 256 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, जो हमारा चार्ट हमें इंडिकेशन दे रहा है। बाकी कोई ऐसी नेगेटिव अपडेट आ गई जिस वजह से गिरावट आपको देखने को मिल जाए उसका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं टाइम टू टाइम अपडेट आपको देती रहूंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार खुद के एनालाइज जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है।